हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्प्रेडिंग धर्मा में। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर एंड लाइक करें, अंत में बेल आइकन को दबा दें, जिससे जब भी हम नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, धर्म के प्रसार करने में हमारी मदद करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भगवान विष्णु जी के 24 अवतारों के बारे में। हाँ दोस्तों, जो विष्णु जी के सभी 24 अवतार हैं उनके बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी बताऊंगा। चलो दोस्तों, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जब जब धरती पर कोई संकट आता है, तब तब भगवान अलग अवतार में प्रकट होकर उस संकट का विनाश करते हैं। शंकर भगवान और श्री हरि भगवान विष्णु ने कई बार धरती को संकट की घड़ी से बचाया है। हिंदू धर्म की माने तो भगवान के अवतार की अवधारणा एक विशिष्ट विशेषता है। भगवान विष्णु अलग अलग अवतार में प्रकट होकर धर्म की रक्षा बुराई के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। सभी देवी देवताओं में विष्णु भगवान ही अवतार लेते हैं, क्योंकि विष्णु संरक्षक हैं। ब्रह्मांडीय व्यवस्था का ध्यान रखना उनका अनिवार्य कर्तव्य है। अपने कर्तव्य के एक भाग के रूप में विष्णु जी संसार की व्यवस्था और नियमितता सुनिश्चित करने के लिए कई कर्तव्यों का पालन करते हैं, जिनमें संकट के समय में पृथ्वी पर अवतार लेना महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं, जिनमें 10 अवतार भगवान विष्णु के मुख्य अवतार हैं। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजम्यहम्। अर्थात हे भारत, जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं साकार रूप से लोगों के बीच प्रकट होता हूँ। मैं सज्जनों की रक्षा करने आया हूँ, मैं दुष्टों का नाश करने आया हूँ। भगवान विष्णु के अवतार, सबसे पहला अवतार है दोस्तों श्री सनकादि मुनि। भगवान विष्णु ने कौमार्क सर्ग में 4 ब्राह्मणों सनकादिक ऋषि के रूप में प्रथम अवतार लिया, जो ब्रह्मा जी की पहली संतान थी। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कई वर्षों तक तपस्या की। इनसे प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने 4 मुनि सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार के रूप में अवतार लिया। इनकी आयु सर्वदा ही 5 वर्ष थी। ये चारों मुनि प्राकट्य काल से ही उपासना, भजन, कीर्तन, ध्यान में तल्लीन और वेद शास्त्रों का अध्ययन करते थे। दूसरा अवतार है दोस्तों वराह अवतार। भगवान विष्णु का दूसरा वराह अवतार है। जब जब पृथ्वी पर पाप और कष्ट बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु अपना रूप धारण कर दुख का नाश किया है। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था, तब भगवान विष्णु भगवान वराह अवतार में सुअर का रूप धारण कर दैत्य हिरण्याक्ष का वध किया था। इनकी धर्म पत्नी माता वाराही है, जो माता लक्ष्मी का रूप है। तीसरा अवतार है दोस्तों नारद अवतार। भगवान विष्णु ने नारद के रूप में तीसरा अवतार प्रकट किया। देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के 6 बेटों में से सबसे छोटे हैं। ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या के बाद नारद जी ने जन्म लिया। देवर्षि नारद मुनियों के देवता थे और इन्हें ऋषि राज के नाम से भी जाना जाता है, और नारद भगवान विष्णु के परम भक्तों में से एक थे। चौथा अवतार है दोस्तों नर नारायण। भगवान विष्णु ने नर नारायण 2 रूपों में चौथे अवतार के लिए, इस रूप में भगवान ने बद्रीनाथ तीर्थ में कड़ी तपस्या की थी। शास्त्रों की माने तो नर और नारायण ब्रह्मा जी के बेटे धर्म और पुत्र वधु रुचि के बच्चे और ब्रह्मा देव के प्रपोत्र थे। इस संसार में धर्म के प्रसार प्रचार का क्रेडिट इन्हीं को जाता है। द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में नर नारायण ने जन्म लिया। पांचवा अवतार है दोस्तों कपिल मुनि। भगवान विष्णु ने कपिल मुनि के रूप में 5वां अवतार लिया। यह प्राचीन भारत के एक मुनि थे। इनके पिता कदर्म ऋषि और माता मनुपुत्री देव होती थी। 6वां अवतार है दोस्तों दत्तात्रेय अवतार। भगवान दत्तात्रेय विष्णु जी के ही अवतार हैं। इनके पिता महर्षि अत्रि, जो सप्त ऋषियों में से एक हैं, और माता सहधर्मिणी अनुसुया सतीत्व के प्रतिमान के रूप में हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, शंकर भगवान के अंश से दुर्वासा और भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय ने जन्म लिया। 7वां अवतार है दोस्तों भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान यज्ञ हैं। ग्रंथों की माने तो स्वयंभू मनंतर में भगवान यज्ञ का जन्म हुआ था। यज्ञ भगवान की पत्नी दक्षिणा के 12 तेजस्वी पुत्रों ने जन्म लिया और सभी पुत्र स्वयंभू मनोत्तर में 12 देवता के नाम से जाने जाते हैं। 8वां अवतार है दोस्तों भगवान ऋषभदेव। भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान ऋषभदेव हैं। यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं और इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में
वर्तमान में भगवान ऋषभदेव अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थकर हैं। नौवां अवतार है दोस्तों आदिराज प्रथु। आदिराज प्रथु भगवान विष्णु के ही नौवां अवतार हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रजापति अंग और सुनीता के बेटे का नाम वैन था और वैन का बेटा प्रथु था। राजा वैन ऋषियों को भगवान की पूजा न करके स्वयं की पूजा करने के लिए बोलता था। इस बात से तंग आकर ऋषियों ने राजा वैन को मार डाला और इनकी भुजाओं का मंथन किया, जिसमें पुरुष के रूप में प्रथु जो भगवान विष्णु के अवतार और स्त्री के रूप में अर्ची जो माता लक्ष्मी का अवतार के रूप में जन्म लिया। दसवां अवतार है दोस्तों मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु के दसवें मत्स्य अवतार हैं। दुनिया को विनाश से बचाने के लिए मछली मत्स्य अवतार के रूप में प्रकट हुए थे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक दुष्ट राक्षस ने वेदों को चुरा कर जल के भीतर छुपा दिया, तब विष्णु भगवान मछली का रूप धारण कर वेदों का पता लगाया और उन्हें स्थापित किया। ग्यारहवां अवतार है दोस्तों कुर्म अवतार। कुर्म को कच्छप अवतार कछुए भी कहते हैं। इस अवतार में विष्णु भगवान ने समुद्र मंथन के दौरान मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर संभाला था। मंदार पर्वत और नाग की मदद से देवों एवं असुरों ने समुद्र मंथन संपन्न कर 14 रत्न पाए थे। बारहवां अवतार है दोस्तों भगवान धन्वंतरी। देवताओं और राक्षसों ने मिलकर जब समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले उसमें से विष निकला, जिसे भगवान शंकर ने पी लिया। समुद्र मंथन के दौरान कई रत्न निकले, लेकिन अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए, जिन्हें हम औषधियों के स्वामी भी बोलते हैं। भगवान धन्वंतरी ही विष्णु भगवान के अवतार हैं, जिसे हम दिवाली के एक दिन पहले धनतेरस के रूप में मनाते हैं। तेरहवां अवतार है दोस्तों मोहिनी अवतार। मोहिनी भगवान विष्णु का स्त्री अवतार है। इस अवतार में उन्हें अति सुंदर स्त्री के रूप में दिखाया है, जो कोई भी इनके प्रेम में वसीभूत होकर सब कुछ भूल जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और राक्षसों को सागर से अमृत प्राप्त हुआ, तब देवताओं को यह भय हुआ कि कहीं राक्षस अमृत पीकर अमर न हो जाएं। इसका समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास गए और उनसे कहा कि हमें इससे बचाओ प्रभु। तब जाकर विष्णु भगवान ने मोहिनी का अवतार लेकर देवताओं को अमृत पिलाया और राक्षसों को मोहित करके अमृत पिलाने से रोका। 14वां अवतार है दोस्तों भगवान नृसिंह। एक कथा के अनुसार दैत्य राजा हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस हुआ करता था। हिरण्यकश्यप अपनी प्रजा के लोगों को भगवान की पूजा नहीं करने को बोलकर स्वयं की पूजा करवाता था और जो इनका पालन नहीं करता उसे मौत के घाट उतार देता था। तभी हिरण्यकश्यप के घर में बेटे के रूप में प्रह्लाद का जन्म हुआ, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था और इनकी पूजा भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को कई बार विष्णु जी की पूजा करने से रोका, लेकिन प्रह्लाद ने एक नहीं सुनी। तंग आकर हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका के पास गया और कहा कि तुम इसे जलती आग में लेकर बैठ जाओ, तुम्हारे पास तो अग्नि से बचने की शक्ति है। होलिका जलती हुई आग में प्रह्लाद को लेकर बैठ गई, लेकिन प्रह्लाद बच गया और होलिका जल गई। प्रह्लाद के बच जाने पर हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और अपने दरबार में खंभे से बांध दिया और कहा कि अब तेरे भगवान तुझे बचाने आएंगे। तभी भगवान विष्णु खंभे को तोड़ते हुए नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और साय की बेला में सभा की दहलीज पर दरवाजे की चौखट पर बैठकर अपनी जांग पर नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। 15वां अवतार है दोस्तों वामन अवतार। त्रेता युग में भगवान विष्णु वामन अवतार में प्रकट हुए। इस अवतार में भगवान विष्णु ब्राह्मण बालक का रूप लेकर राजा बलि के पास गए और उनसे 3 पग धरती मांगी थी। राजा बलि ने छोटा सा बालक देखकर उन्हें 3 पग धरती देने का वचन दिया। इसके बाद ब्राह्मण बालक ने 1 पग धरती में एवं दूसरे पग में स्वर्ग लोक नाप लिया। तीसरे पग के लिए कोई जगह ही नहीं बची, तो राजा बलि ने अपना सिर उनके आगे कर दिया और यह देखकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बलि को पाताल लोक का स्वामी बना दिया। 16वां अवतार है दोस्तों हयग्रीव अवतार। विष्णु भगवान हयग्रीव अवतार में प्रकट हुए थे, जिनका सिर घोड़े का और शरीर इंसान का था। इस अवतार में विष्णु भगवान ने हयग्रीव नाम के ही दैत्य का वध किया था, जिसका सिर भी घोड़े का और शरीर मनुष्य का था। इस दैत्य की मृत्यु सिर्फ वो ही कर सकता था जिसका सिर घोड़े का और शरीर इंसान का हो। 17वां अवतार था दोस्तों श्री हरि अवतार। एक कथा के अनुसार इंद्र दयुम्र नाम का एक राजा था, जो अगस्त मुनि के श्राप से हाथी में और हूं नामक
गंधर्व देवल मुनि के श्राप से मगरमच्छ बन गया और दोनों के बीच युद्ध हुआ। हाथी यानी गजेंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु श्री हरि अवतार में प्रकट हुए और अपने चक्र से मगरमच्छ को मार डाला और भगवान विष्णु की मदद से गज की विजय हुई। 18वां अवतार है दोस्तों परशुराम अवतार। विष्णु भगवान परशुराम के अवतार में प्रकट हुए थे। परशुराम जमदग्रही ऋषि और रेणुका के बेटे और भगवान शंकर के भक्त थे। इनसे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें परशु शस्त्र दिया था। वैसे इनका नाम राम था लेकिन परशु लेने के बाद इनका नाम परशुराम हो गया। 19वां अवतार है दोस्तों महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास विष्णु भगवान के ही अवतार माने जाते हैं और इन्होंने ही महाभारत ग्रंथ की रचना की है। महर्षि वेदव्यास का पूरा नाम महर्षि कृष्ण दोपायन वेदव्यास है। 20वां अवतार है दोस्तों हंस अवतार। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से 20वां अवतार है हंस अवतार। इस अवतार में इन्होंने कार्तिक शुक्ल की नवमी को हंस के रूप में प्रकट हुए और सनकादि ऋषियों की शंकाओं का निवारण किया। 21वां अवतार है दोस्तों श्री राम अवतार। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर में बेटे के रूप में पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ। रावण का आतंक खत्म करने के लिए श्री राम के अवतार में भगवान विष्णु प्रकट हुए। महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत महाकाव्य रामायण में राम की कहानी लिखी थी। 22वां अवतार है दोस्तों श्री कृष्ण अवतार। भगवान विष्णु के सबसे श्रेष्ठ अवतारों में से एक हैं यशोदा नंदन श्री कृष्ण। द्वापर युग में अधर्मियों के नाश के लिए और कंस का वध के लिए भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के अवतार में प्रकट हुए। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की बड़ी भूमिका थी। इस युद्ध में वे अर्जुन के सारथी बने और उनकी बहन सुभद्रा अर्जुन की पत्नी थी और युद्ध शुरू होने से पहले उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। 23वां अवतार है दोस्तों बुद्ध अवतार। धार्मिक ग्रंथों की माने तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे। इन्हें महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। दोस्तों 24वां अवतार है कल्कि अवतार। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का आखिरी अवतार कल्कि अवतार होगा। कलयुग के अंत में कल्कि अवतार के रूप में भगवान विष्णु प्रकट होंगे और पृथ्वी से सभी पापों और बुरे कर्मों का नाश करेंगे। ऐसा माना जाता है कि सतयुग के संधि काल में कल्कि अवतार होगा। बोलो विष्णु भगवान की जय।